तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसके वेबकैम को आप डिसेबल या इनेबल कैसे कर सकते हो। मतलब कहने की जो बात है, अगर आप अपने जो लैपटॉप या पीसी का जो वेबकैम है उसको मतलब डिसेबल यानी कि बंद करना चाहते हो, मतलब कुछ समय के लिए चाहते हो, या आपके पीसी या लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, इस तरीके से मतलब बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो फिक्स होने वाले हैं आज। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यही। तो चलो बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसमें आपको जो जिस पीसी या माई कंप्यूटर नाम का जो ऑप्शन होता है उस पर राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको मैनेज में चले जाना है। मैनेज में जाने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर कैमरा पर चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको ड्राइवर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप अपने जो मतलब कैमरे का जो ड्राइवर है उसकी फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसकी ड्राइवर डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करके यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा डिसेबल डिवाइस। अगर आप मतलब चाहते हो जो आपका कैमरा या वेबकैम है उसको कुछ समय के लिए डिसेबल कर दो या उसके मतलब बंद करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको डिसेबल करता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, जो मेरा कैमरा है वो वर्क ही नहीं करेगा। देखो आ गया ना, ये मैंने डिसेबल कर दिया तो ये वर्क ही नहीं कर रहा। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ इनेबल और ओके। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके, तो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो, तो अब मैं आपको आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो कर रहा है ना वर्क, देखो ये मैंने यहाँ पर फिंगर डाई है, तो आप कोई नहीं कर लो मैंने। फिर इस तरीके से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब जो आपके पीसी में जो आपका कैमरा है उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिर जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, वो कुछ एरर शो कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।